तो दोस्तों हम लोग कनाडा कैसे मूव हुए भाई, हम लोग यहाँ पे कनाडा में जिन लोगों को नहीं पता अब तक उनको बता देते हैं, तो आपको काफी तक ये भी समझ में आ जाएगा कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कनाडा मूव होने के लिए। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू अशर से नवी व्लॉग्स। तो बात यह है कि आज है खूबसूरत जुम्मे का दिन। आज मैं फर्स्ट टाइम जो है वो जुम्मे की नमाज अपने दोनों बच्चों के साथ जो है वो मिल्टन स्पोर्ट्स सेंटर पढ़ने आया हूँ। काफी लोगों ने रिकमेंड किया था कि यहाँ पे आइएगा जरूर, बड़ा अच्छा माहौल होता है वो होता है। तो हम यहाँ पे आ गए हैं जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए। देखते हैं अंदर की क्या अरेंजमेंट होते हैं, कितनी पब्लिक होती है। वैसे यहाँ पे अच्छी गाड़ियाँ तो मुझे काफी देखो नजर आ रही है, जैसे कनाडा की हर मस्जिदों में होता है कि 3-4 जमातें होती हैं स्पेशली जुम्मे के लिए, तो यहाँ पे भी इस तरह का होता है। तो हमने देखा है आने के 2:45 के ऊपर जुम्मा होगा। चलते हैं और देखते हैं कि क्या माहौल है भाई। और उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक के ऊपर आज बात होने वाली है कि मैं कनाडा कैसे आया, मतलब हम कनाडा कैसे आए, कौन सी चीजें पे आए, क्या क्या किया, किस तरह किया आगे चल के। बट पहले नमाज। अभी हम लोग जो आए हैं तो ये सेकंड यहाँ पे जमात चल रही है, तो हमने सोचा कि दूसरी रकात ऑलरेडी हो गई है तो फिर वेट करते हैं, आराम से खुतबा भी सुनेंगे और उसके बाद फिर जो थर्ड वाली होगी जमात उसमें सुकून से अपने ज्वाइन करेंगे। मतलब जल्दी किस बात की, तो फिर एक रकात भी क्यों छोड़ें, मतलब ज़ाया ना करनी चाहिए ना उस टाइम को कि जुम्मे की नमाज़ होती है तो खुतबे के बगैर मतलब मज़ा नहीं आता। तो आप वेट करेंगे और फिर खुतबे के बाद जो है नमाज़ पढ़ेंगे और फिर घर चलेंगे। ये देखो ये बास्केटबॉल कोर्ट होता है, यहाँ पे ही ले लेते हैं, यहाँ पे नमाज होती है माशाल्लाह। देखो कितना जबरदस्त स्विमिंग पूल बना हुआ है। आओगे सेफी यहाँ पे स्विमिंग पूल? यू वांट टू गो टू स्विमिंग पूल? यस वी विल कम इंशाल्लाह। सो अभी बस नमाज पढ़ के निकले, खूबसूरत मौसम हो रहा है ओंटारियो के अंदर। वैसे बादल हर वक्त ही रहते हैं, मतलब सूरज की बहुत ज्यादा कमी होती है, बट कभी कभी गलती से सूरज आ जाता है तो अच्छा लगता है, पॉजिटिव एनर्जी होती है जिस दिन सूरज निकलता है। एनीवे बात यह है कि देख रहा हूँ यार माशाल्लाह से मिल्टन में कितनी जबरदस्त बड़ी कम्युनिटी है मुसलमानों की भी और लोगों की भी, और जो है वो यहाँ पे इतनी मस्जिदें हैं माशाल्लाह से, हर जगह नमाजें हो रही होती हैं और हर वक्त हर नमाज फुल होती है। क्या बात है यार, सुभान अल्लाह माशाल्लाह मजा आ गया। ऑल्सो गाइज हम आज ही एक मीटअप भी रख रहे हैं अपना, हमारा फर्स्ट मीटअप होने वाला है कनाडा में, लिटरली बहुत एक्साइटेड है हम। ये मीटअप होगा मिसिसागा में शाम को 5 बजे आज रात को सेलिब्रेशन स्क्वायर पे, 5 बजे शाम को। इफ यू कैन प्लीज बी देयर, बहुत अच्छा लगेगा देख के। हेलो गाइस, देखो पीछे कौन बैठा हुआ है। तो भाई मजा आ गया, एक तो पहली बात कि आज इतना अच्छा मौसम है और धूप निकली हुई है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आज मैं बहुत अरसे बाद आगे बैठी हूँ, तकरीबन 1 महीने के बाद, सो दैट इज समथिंग सो गुड। इतना अच्छा लग रहा है बैठ के यार, मतलब मैं पीछे बैठे जा रही थी, जब भी यहाँ पे आयान बैठा हुआ है ना वहाँ बीच में, क्योंकि बच्चा होता है माशाल्लाह से। आपका क्या ख्याल है, मुबारकबाद दे रहे हैं। हाँ भी बच्चों पढ़ी, कैसे लग रही पीछे बैठ के? हाँ अजीब लग रहा है, अजीब लग रहा है। 1 महीने के बाद अयान साहब आगे बैठे जा रहे थे, टाइट लग रहा है, काफी टाइट लग रहे थे, वेरी वेरी टाइट हियर। अच्छा हुआ ना गरम गरम हम जो है वो कपड़े पहन लिए थे, क्योंकि देखो कैसे गहरे गहरे बादल आ रहे हैं यहाँ पे, फजूल के बादल आ रहे होते हैं, देख देख के कभी कभी जो है ना चिड़ भी होने लगती है। वही तो बहुत, और यहाँ पे जो है जो जहाज है वो इतने नीचे नीचे होते हैं, हैरत की बात है, मिल्टन में इतने नीचे जहाज कहाँ से आ रहे हैं भाई। ये देखो क्या गहरे बादल हो रहे हैं, खतरनाक लग रहे हैं, बस देख देख के बुरा लग रहा है, क्योंकि आज धूप एक्सपेक्टेड थी अभी, बल्कि ज्यादा एक्सपेक्टेड था कि क्लियर होगा, उन्होंने कहा था कि ज्यादा हो जाएगी, मतलब ये पागल बनाते हैं मौसम वाले भी जो है वो। चलो बच्चे को रखते हैं। ये देखो ये बंदा क्या करना चाह रहा है, पैराग्लाइडिंग करना चाह रहे हैं। हाँ, ये हालांकि एरिया है जी पैराग्लाइडिंग का। तो गाइस हम लोग आज एक नए पार्क में आए हैं डिस्कवर करें, स्पोर्ट्स सेंटर के बिल्कुल सामने है ये पार्क, एंड इसके पीछे यहाँ पे जो है वो अलग अलग वैरायटी की ये चीजें भी लगी हुई हैं, और बच्चे यहाँ पे स्लाइडिंग्स भी कर रहे हैं, बास्केटबॉल, स्केटबोर्ड कहते हैं, मेरी बेइज्जती हो चुकी है। बास्केटबॉल कोर्ट भी है वहाँ पे, टेनिस का भी है आगे, और अलग अलग नए नए झूले हैं, बच्चों को थोड़ा चेंज मिलेगा, हमने कहा यहाँ पे आ जाते हैं। एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड का आइडिया था, अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यारा हस्बैंड, इनोवेटिव हस्बैंड मिला है हमें। सो हम लोग यहाँ पे मिल्टन के पार्क आए हुए थे, और ये मिले हैं हमारे सब्सक्राइबर जो इंडिया से हैं, बिलोंग कहाँ से आप? मुंबई से हैं। सो आपका नाम क्या है? इब्रार अहमद। इब्रार, और आपका? रिजवाना। क्या माशाल्लाह से क्या बात है, तो आप लोग यहाँ पे अभी रिसेंटली मूव हुए? हाँ, रिसेंटली 1.5 महीना हुआ। मजा आ रहा है कनाडा में?
मौसम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है बट आज का अच्छा है। हम लोग जब से आए तब से तो फिर भी बेटर है, मतलब नहीं देखी अभी तक हम। चले अब नेक्स्ट ईयर देखेगा, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह देखेगा। चले अच्छा, आप लोग मिल्टन में जो है आप लोगों से मुलाकात हो गई, चले अच्छी बात है। इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जॉब और अल्लाह करे आप लोग जो है वो आगे इंशाल्लाह कामयाब हो और इंशाल्लाह किसी अच्छी दिन और मुलाकात हो जब आपकी जॉब हो गई हो। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, क्योंकि हमें इतने ज्यादा मैसेजेस आते रहते हैं आप लोगों के, बहुत लोग पूछते रहते हैं हमसे कि भाई आप लोग गाइड करें कि कनाडा कैसे आ सकते हैं, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, कनाडा कैसे आ सकते हैं, कनाडा मूव कैसे कर सकते हैं। तो हमने कहा कि आज आपको इस बारे में बताया जाए। बहुत से लोग पूछते हैं भाई सी आई एस स्कोर कैसे बढ़ाते हैं, आईएलटीएस वगैरह का क्या सिस्टम करें, एक्सप्रेस एंट्री क्या है वगैरह वगैरह, तो ये सब चीजें हम लोग आपको बता सकते हैं कि नहीं। उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हम लोग बेसिकली कौन है, हम लोग यहाँ पे कैसे मूव हुए। तो अगर आपको हमारी कहानी पता चलेगी कि हम कनाडा कैसे मूव हुए, हम मीन्स मैं और मेरे हस्बैंड और बच्चे, हम लोग कनाडा डायरेक्टली कैसे मूव हुए, अगर आपको ये पता चल जाएगा तो आपको काफी तक ये भी समझ में आ जाएगा कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कनाडा मूव होने के लिए। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों हम लोग कनाडा कैसे मूव हुए, भाई हम लोग यहाँ पे कनाडा में, जिन लोगों को नहीं पता अब तक उनको बता देते हैं कि हम लोग एक्सप्रेस एंट्री में मूव हुए थे, डायरेक्ट पीआर पे हम ऑस्ट्रेलिया से आए थे। तो हम लोग आए थे FLW स्ट्रीम, यानी फेडरल स्किल्ड वर्कर जो स्ट्रीम होती है, जिसमें डायरेक्ट पॉइंट्स आपके अप्लाई अप करते हो, आपको इन्विटेशन आता है, फिर आपको अप्लाई करनी होती है, पीआर आपकी पीआर अप्रूव होती है और आप फैमिली के साथ यहाँ पे माइग्रेट हो जाते हो। आप में से बहुत सारे लोगों का जैसे सना ने बोला कि सवाल आते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे आते रहते हैं, यूट्यूब पे आते रहते हैं, फेसबुक पे आते रहते हैं, यही सब चीजें पूछते हैं जो सना ने बताया। तो बात ये है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई पहली बात तो ये है कि हम लोग इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी जो चीज इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो लाइसेंस रिलेटेड हो, जिसमें मतलब आपको कोई लाइसेंस चाहिए कोई भी काम करने के लिए जिंदगी में, बाहर के मुल्कों में स्पेशली कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, यूके हो, कहीं पे भी हो, ऐसे मुल्कों में कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से पहले आपको लाइसेंस चाहिए होता है। हमने बड़े बड़े लोगों के जो है वो चैनल बंद होते हुए देखे, इवन उन लोगों की एग्जाम्पल किसी और जगह पे भी कोर्ट होती हुई देखी है कि इस तरह के स्कैम्स किए जाते हैं, ये होता है वो होता है। तो कनाडा का ये चक्कर है कि कनाडा में आपको कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन देने के लिए माइग्रेशन रिलेटेड होती है, वीजा रिलेटेड होती है, आपको उसके लिए एक IRCC का रेगुलेटेड लाइसेंस चाहिए होता है और उस लाइसेंस के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, मतलब 1 से 2 साल का डिप्लोमा होता है वो करना पड़ता है, फिर आपको एग्जाम देने पड़ते हैं और एग्जाम देने के बाद फिर आपको लाइसेंस अप्लाई करके वो लाइसेंस मिलता है। जब वो आपको लाइसेंस मिलता है IRCC का रेगुलेटेड कैनेडियन लाइसेंस, तो जाके आप जो है वो एलिजिबल हो पाते हैं कि आप किसी को भी कोई भी मशवरा दे सकते हैं लीगल वे में पैसे चार्ज करके। ये एक लजीट तरीका है। अब पाकिस्तान, इंडिया वगैरह के मुल्कों में क्या होता है, वहां पे जो है वो नॉर्मल कंसल्टेंट होते हैं, कोई रेगुलेटेड एजेंट नहीं होते। एक तरह से मुझे अफसोस होता है बहुत कि जो इंडियंस के साथ हुआ है, 700 लोगों की जिंदगियां बेचारों की तबाह हो गई फॉर अ रीजन। इसको जज करना बहुत मुश्किल काम है कि गलती किसकी थी, पैसे को तो चलो जो गए लोगों के, मगर जो जिंदगी आगे की बर्बाद हो गई, जो उनका फ्यूचर बर्बाद हो गया, जो उन्होंने सोचा था, और उनके साथ बहुत बड़ा हैंड हो गया। तो इंडियन स्टूडेंट्स जो 700 यहाँ से डिपोर्ट हो गए थे, उसकी वजह यही बनी कि जो एजेंट इंडिया से भेज रहा था इन तमाम स्टूडेंट्स को एक ही कॉलेज में, लुक्स लाइक कि वो एजेंट ही फ्रॉड था पूरा। उसने तकरीबन 110 करोड़ रुपए का मतलब घोटाला किया इंडियन रुपीस का, विच वॉज लाइक कम्प्लीटली वी वर ब्लाइंड टू लिसन टू दिस कि किस तरह हो सकता है। 700 लोग बेवकूफ बन गए, पता नहीं कितने हजारों और भी बेवकूफ बने होंगे आज तक। हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं कि दुबई में भी जो है वो बहुत सारे ऐसे एजेंट्स काम करते रहते हैं जो बहुत ही फेक हैं। मेरे अपने कजन से भी बहुत सारी चीजें बताई हैं, तो बहुत अजीब लगता है सुन के। इसलिए सोचा कि आपके साथ शेयर करें कि यार आप लोग खुद से भी रिसर्च करें। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि PR अप्लाई करना इज नॉट दैट हार्ड बट इज नॉट दैट इजी जॉब। तो उसके लिए गेम ये होता है कि आपको एक सर्टेन क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, जो कि आजकल मास्टर्स हो गया, मतलब कनाडा के लेवल का मास्टर्स आपको चाहिए। उसके साथ आपको कुछ सर्टेन वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, जो 1 साल से 3 साल तक वेरी करता है। और उसके साथ आपको जो है वो फंड चाहिए होते हैं कैनेडियन डॉलर्स के अंदर। अब ये डिपेंड करता है सारा गेम कि आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, सिंगल हो, कपल हो, बच्चे हैं, नहीं है। कुछ लोग ये भी करते हैं बहुत बड़े बड़े गेम कि जो है वो फैमिली वाले होते हैं, मतलब उनकी बीवी भी होती है, सब कुछ होता है, या फिर मियाँ होते हैं, तो वो अपनी फैमिली को उनमें से निकाल देते हैं और कनाडा की गवर्नमेंट को उसके बाद जो है वो गालियां देते रहते हैं। पहले तो कहते हैं कि नहीं, हमें इस बंदे को नहीं लेके जाना अपनी फैमिली के साथ, और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि यार अब वो वीजे नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे। तो ये भी एक बहुत ही अलग तरह के टॉपिक है, बट वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं करने वाले। तो एक तो तरीका अशर ने आपको बताया ही कि IRCC एजेंट से आप कंसल्ट कर लें। अब IRCC एजेंट किस तरह पता चलते हैं भाई, ये भी हम आपको एक छोटा सा बता देते हैं कि आपको जाने सिर्फ IRCC की वेबसाइट पे, वहां पे आप लिखेंगे नाम जिस भी एजेंट से आप करवाना चाह रहे हो काम, या जिसने भी आपको किसी और ने रिकमेंड किया है। अगर हमें भी कोई पता चलते तो हम भी आपको फ्यूचर में जरूर बताएंगे। IRCC एजेंट IRCC की वेबसाइट पे जाके और उनके पेज पे वहां पे लिखे कि IRCC रजिस्टर्ड एजेंट, और अगर उस एजेंट का नाम
लिस्ट के अंदर मौजूद है नंबर के साथ, तो डेफिनेटली वो एजेंट शुड बी फाइन। आप उनसे कंसल्ट करो और जाके वहाँ पे अपना एडवाइस ले लो। अब दूसरी बात यहाँ पे ये भी आती है कि बहुत सारे IRCC एजेंट ही होंगे जो आपको एडवाइस ऐसी देंगे कि आपको खुद भी रिसर्च करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरा तरीका ये होता है कि या फिर आप खुद से रिसर्च करके खुद से अप्लाई कर ले, जैसे कि हम लोगों ने किया। भले से स्टूडेंट हो, वर्क वीजा हो या PR अप्लाई करनी हो, आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप खाली एजेंट को ही कंसल्ट करके करो, बट दैट इज अ वेरी वेरी लेंथी, वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। हम लोगों ने खुद से अप्लाई की थी अपनी PR, खुद रिसर्च करके, खुद अपना टाइम लगा के, और इस पूरी रिसर्च में हम लोगों को ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल का टाइम लगा था। तो ये पूरी रिसर्च का जो एक निचोड़ था, उसका ये निचोड़ था कि फिर हमें फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह PR अलॉट हो गई, हमारी ग्रांट हो गई थी हमारी अपनी बेस के ऊपर। दैट डजंट मीन कि हम IRCC एजेंट है, नहीं, हम लोगों ने अपना केस खुद अप्लाई किया था। तो अगर आप लोग पूछते रहते क्वेश्चन हमसे, तो हम लोग आपको गाइड इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि अशर ने ऐसा बताया कि हम लोग लाइसेंस नहीं है, बट ये कि आप लोग अपना केस खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात ये है कि इस गेम के अंदर मतलब मोटिवेशन और डीमोटिवेशन भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि हमें जब सिडनी के अंदर थे, हम लोग जब इस पूरे प्रोसेस के अंदर थे जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर चल रहा था कनाडा आने के लिए PR का प्रोसेस, तो हमने दो जो एजेंट थे वहां पे उनके ऊपर पैसे खर्च किए। एक का नाम तो भाई सी से स्टार्ट होता है, मैं मतलब पूरा नाम नहीं लूंगा, जो सिडनी में होंगे वो समझ जाएंगे। हम जब पहली दफा उनके पास गए अपनी ये पूरी जर्नी के लिए कनाडा आने के लिए PR के लिए, तो जब उनको सारी अपनी प्रोफाइल बताई कि भाई हमने मास्टर्स किया हुआ है, हम सना के पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, हमारे पास इतने फंड है कैनेडियन डॉलर्स के अंदर, ये सब चीजें, उन्होंने कहा नहीं आपका ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, तो आप एलिजिबल नहीं होते। आप एक काम करें कि स्टूडेंट वीजा अप्लाई करें, सना को मेन एप्लीकेंट बनाएं क्योंकि वो छोटी थी, और उसके बाद जो है वो जाएं और 6 महीने के बाद जो है वो आपका वीजा अप्लाई कर देगी और आप बच्चों को लेके फिर बाद में चले जाइएगा। इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि आपका बाद में वीजा लगेगा नहीं लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। वैसे तो जो कैनेडियन जो कंसल्टेंट होते हैं वो भी किसी चीज की कोई गारंटी कहीं पे भी नहीं होती कि वो IRCC से अगर तुम करवाओगे रेगुलेटेड एजेंट से तो आपका वीजा अप्रूव हो ही जाएगा। वो तो डिपेंड्स ऑन मैनी सर्कमस्टेंसेस, मैनी फैक्टर्स जो कैनेडियन गवर्नमेंट यहाँ पे IRCC के एजेंट देखते हैं। दूसरा एक और सिनेरियो बताता हूँ आपको कि हम लोग वहीं पे ही गए तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास तो भाई IRCC का कैनेडियन जो रेगुलेटेड एजेंट है वो है। हमने कहा अच्छा भाई ठीक है। अब जैसे सना ने आपको बताया तरीका कि आपको कैसे जो है वो एजेंट को लुकअप करना है कैनेडा का अगर रजिस्टर्ड होगा, हम उनके पास गए, हमने यही एग्जैक्टली $200 भी खर्च किए उस अपॉइंटमेंट के ऊपर, सब कुछ हो गया। उसके बाद जो उन्होंने IRCC के एजेंट का नाम बताया और कंपनी बताई, जब हमने वो IRCC के सिस्टम में डाल के चेक किया तो भाई वो तो बंदा किसी और ही नाम से था और कंपनी भी किसी और नाम से थी और लाइसेंस नंबर उनका वही दिख रहा था, मगर बंदा और कंपनी कुछ और थी। तो हमें ये एक शेक हुआ। हमने उसके बाद उनसे पूछा कि भाई ये क्या चक्कर है कि आपका जो ये बंदा है इसका नाम कुछ और है, कंपनी का लाइसेंस नंबर कुछ और है, आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ हम थर्ड पार्टी काम कर रहे हैं। तो भाई मुझे नहीं पता जो रेगुलेटेड एजेंट होंगे उन्होंने इस तरह थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे दिया, क्योंकि अगर मेरे पास इलेक्ट्रिकल प्लम्बर या फिर किसी भी ऐसी चीज का लाइसेंस है तो मैं सना को कैसे दे सकता हूँ कि वो जाके जो है वो किसी का चूल्हा ठीक कर दे या फिर जाके सिक्योरिटी गार्ड बन जाए या फिर जाके डॉक्टर बन जाए। अगर समझ लो जैसे डॉक्टर का लाइसेंस मेरे पास है और सना जाके लोग मरीजों को ठीक करना शुरू कर दे, सेम यही बात है कि अगर IRCC का लाइसेंस मेरे पास है तो मैं ही उसके लिए अलाउ हूँ कि मैं आपको ये एडवाइस दे सकता हूँ, सना नहीं दे सकती। जैसे किशन ने बताया कि सिडनी में हमारे साथ हुआ, सी से स्टार्ट होने वाली एजेंसी थी जिन्होंने इस तरह किया था। तो अगर हम खुद से रिसर्च ना करते कि आया हम वाकई में PR के लिए एलिजिबल है कि नहीं, तो जो तो हमें बेवकूफ बना देते और अगले 2-3 साल को बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री में हमें यहाँ भेज के और अपने पूरे कमीशन बनाते रहते। तो उस तरह हम लोगों को नहीं करना था। हमें पता था कि हम लोग मास्टर डिग्री होल्डर हैं, हम लोग के पास एक्सपीरियंस है, मेरे हस्बैंड भी मास्टर डिग्री होल्डर है, तो हम लोग स्टूडेंट वीजे पे क्यों जाएं? मतलब इट डजंट नीड टू बी। कैनेडा इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है कि वहां पे हमें एक नई पढ़ाई करनी पड़े। ऑलरेडी जो पढ़ाई हमारी है वो कैनेडा में इन डिमांड थी, मास्टर डिग्री होल्डर थे। तो आपके सामने की है कि हम लोग जो है PR फिर लेके अल्लाह का शुक्र यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट के तौर पे बैठे हुए हैं। सो हमने सोचा ये छोटी सी सीख आप लोगों को दे देते हैं क्योंकि YouTube, Instagram और Facebook के ऊपर काफी कमेंट्स आते रहते हैं, मैसेजेस आते रहते हैं प्राइवेटली। वीडियो के जो भी कमेंट आएंगे मुझे लगता है तो जो है वो आएंगे, उसके बावजूद भी यही पूछ रहे होंगे एग्जैक्टली सवाल कि भाई ये बता दें ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। यार हम लोग नहीं बता सकते क्योंकि हम लोग बार बार बता रहे एजेंट नहीं है, हम लोग सही लोग नहीं है ये सब चीजें बताने के लिए। आप लोग सही लोगों से कॉन्टेक्ट करें वही बेहतर होगा। और बाकी जितने भी लोग कैनेडा के लिए कोई भी वीजा अप्लाई करें, भले स्टूडेंट हो, वर्क हो, परमानेंट रेजिडेंसी हो, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी जो अपनी एप्लीकेशन डालने वाला है कनाडा के लिए, और जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे आने वाले हैं उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। उनके लिए हम एक बहुत ही धमाकेदार मजे की वीडियो बनाने वाले हैं बहुत जल्द, जो लोग यहाँ पे अब आने वाले जिनके वीजा अप्रूव हो चुके हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, इन 2023 वी विल मेक इट। एक और मैं बात बोलना चाहूंगा कि आप लोग बहुत सारे ऐसे भी चैनल देखते होंगे जो शायद डीमोटिवेट करते होंगे कि कनाडा मत आओ, ये मत आओ, मतलब वर्थ इट नहीं है इस तरह 2023 में, 25 में, 24 में। तो यार ये जितने भी इफेक्ट्स इस वक्त हो रहे हैं मेरे हिसाब से
वो आफ्टर कोविड की जो है ना इफेक्ट है, और बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने बता दिया था छोटी सी बात में कि 2024-25 तक ये चलेगा। तो डीमोटिवेट मत होना, अगर कनाडा की तुम जर्नी में जुड़े हुए हो तो जरूर जुड़े रहना। इंशाल्लाह कभी जब नेक्स्ट हमारा मीटअप होगा तो उसके अंदर जो है वो तुम लोगों से जरूर मुलाकात होगी टोरंटो के अंदर, एंड आप लोगों से मुलाकात होगी अब अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टाटा लव।